अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर लाइफ ऑफ हिरा पर। एंड आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा कोड लेकर आई हूँ मारिया बी का, और ये मुझे मिला है गिफ्ट। सो मैंने कहा सोचा आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयरिंग कर लेती हूँ इस चीज़ की। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को, ठीक है? सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है एंड लाइक भी, तो जल्दी से लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को आज बहुत ही प्यारा हसीन किस्म का कोड आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? सो ये देखिए मारिया बी, ठीक है? ये देखें, अच्छा पहले पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। और ये बताएं, ये बहुत ही प्यारा कोड है, बहुत ही हसीन किस्म का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओहो, बिजली से आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, सॉरी उसके लिए इग्नोर। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारा सा पैरट ग्रीन किस्म का सूट है मारिया बी का, और ये मुझे मिला है गिफ्ट प्योर सिल्क दुपट्टे के साथ। तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आ गया इसका ये ट्राउज़र, ये इसका सेल्फ प्रिंटेड ट्राउज़र है, ठीक है? इस पर इस तरह से प्रिंट बने हुए हैं, ये मैंने श्रिंक किया हुआ है तभी आपको थोड़ा रिंकल वाला लग रहा होगा, बिकॉज श्रिंक करके रखा हुए थे, दर्जी के पास नहीं किया है, दर्जी के पास अभी रश है, कुछ टाइम के बाद चला जाएगा, एक दो दिन में इंशाल्लाह। इसके साथ ये जो है ना, ये इसका आ गया बैक, ठीक है? ये देखें, इसका बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड बैक है, ठीक। मारिया बी का स्टफ वैसे बहुत अच्छा होता है, सो इस पर तो कोई है ही नहीं गया, कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है, पता नहीं स्टफ इसका कैसा होगा, स्टफ इसका वैसे बहुत अच्छा होता है। ऊपर से मुझे गिफ्ट मिला है तो उस पर और भी वाह 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 वाह, ठीक है? और इसके बाद ये आ गई इसकी स्लीव्स, ठीक है? कट वर्क के साथ इसकी स्लीव्स है, बस इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे ये होल्स थोड़े मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि बड़े बड़े हैं, अदरवाइज जिनको कोई इशू नहीं होता उनको होगा, बिकॉज मुझे नमाज के ऐसे ये थोड़े लगेगी होंगे। तो इसके अंदर हम लोग लाइनिंग लगवा लेंगे, ठीक है? एक पतली सी शिफोन की जो है लाइनिंग लगवा लेंगे ताकि कोई इशू ना हो, गर्मी ना हो ज़्यादा। सो ये इसका पूरा कट वर्क। जल्दी से गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? बार बार बोल रही हूँ, बीच बीच में बोल रही हूँ। एंड अब आ गया इसका फ्रंट, ये देखिए, ये है इसका माशाल्लाह, इसका बहुत ही प्यारा सा फ्रंट, ठीक है? अच्छा ये आईज नहीं है, ये उसके जो होते हैं ना, नाम भूल जाते हैं हम लोग बिल्कुल ही, सो ये वो है, इसकी आईज नहीं है, ओके? ये देखिए, बाकी ये आगे इसके नॉस्ट्रिल्स तो नहीं बोल सकते, ये इसकी नॉस्ट्रिल्स नहीं है कुछ, इसको बोलते हैं बिल्कुल दिमाग में निकल गया जब याद आया। तो जी भी आ गया इसका फ्रंट, ठीक है गाइस? ये आ गई इसकी पिक्चर, पिक्चर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम, तो मैं नहीं सिलवा सकती, ये तो ऑब्वियस है, पर थोड़ा ज़्यादा हम इसको मैच पिच करेंगे, ठीक है? जब भी टाइम बहुत कम है और दर्जी सील के लेना, यही बड़ी बात है। जिसके साथ जो है ना, इन्होंने दिए हैं बहुत ही प्यारा सा ये बंच, ठीक है? सो इसके साथ उन्होंने ये वाली लेसेस दी हुई है, ठीक है? पैचेस ये फ्रंट बैक दामन के लिए, ठीक है? आई थिंक ये फ्रंट फ्रंट पे भी लग जाएगी, और या तो ट्राउजर पे लगवाए तो ट्राउजर पे भी लगवा सकते हैं, ठीक है? एक ये है और एक ये है, दो है, सेम डिजाइनिंग है, दोनों एम्ब्रॉयडर्ड है आउट, ठीक है? अब फ्रंट बैक पे लगवाएं, स्लीव लगवाएं या ट्राउजर लगवाएं, वो मैं एंड में डिसाइड करूंगी सारा, जब ये स्टिचिंग के लिए सारी जाएगी चीज़ें। इसके साथ इन्होंने ये बहुत ही प्यारी सी ये वाली लेस दी हुई है, ये इस तरह से कट वर्क के साथ लगेगा, बहुत ही हसीन लगेगी, और ये मैंने सोचा कि मैं स्लीव्स पे लगाऊंगी, इतना तो मेरा क्लियर है कि ये स्लीव्स पे लगेगी। शायद इन्होंने ये शोल्डर के लिए दी हुई है, पर मुझे शोल्डर पर नहीं लगवाना, मुझे स्लीव्स पर लगवानी है, ठीक। और इसके साथ एक ये बहुत ही प्यारी नेकलाइन दी गई है नेक के लिए, ये इस तरह से आएगी, उल्टा दिखा रही हूँ मैं भी, ये देखें, ठीक है? ये इधर लग जाएगी। सो ये ओवरऑल लुक हो गया इसका, ठीक है? ये गिफ्ट था। अब इसके साथ जो है बहुत ही प्यारा सिल्क का दुपट्टा, जिसपे मेरा असली दिल आया, उफ। एक तो कलर बहुत प्यारा, ऊपर से दुपट्टा वाह वाह, क्योंकि सिल्क के दुपट्टे बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। ओह ये देखें, इसको उड़ा कैसे रही हूँ, ठीक है? सॉरी ये थोड़ा हो गया है मेरे से, ठीक है?
इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा फ्लोरल सा दुपट्टा है इसका। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना, मैं आपको वो चादरें दिखाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, खादी की एंड सफायर की, जो हम ब्राइड्स को भी दे सकते हैं एंड काफ़ी चीज़ों में काम आ सकती हैं। तो वो भी इसके साथ जो है मैं वीडियो जो है अटैच करूँगी, वो भी आपको एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। सो चलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपनी चादरों की तरफ, ठीक है। ये 3 चादरें हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही अच्छी, ठीक है। क्यों अच्छी लगी हैं? बिकॉज़ ये फर्स्ट वन देखें, ये है गोल्ड प्लेटेड, आई मीन गोल्ड के साथ ब्लॉक प्रिंट के साथ है, खादी की ये दुपट्टा है खादी का, जिसको हम लोग एज अ चादर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप कहीं बाहर जा रहे, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं, शादियों पर जा रहे होते हैं, जैसे दुल्हन हो गई, अच्छे से कपड़े पहनती हैं, फिर वो सिंपल सी चादरें या शॉल ले लेती हैं, उससे अच्छा है कि आप एक ब्लॉक प्रिंट की बहुत ही प्यारी सी दुपट्टा ले लें या शॉल ले लें जो आप कैरी कर सकें, उससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मुझे उस हिसाब से बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ हम लोग वेडिंग्स में हम लोग मोस्टली इस टाइप की चीज़ें कैरी करके जाते हैं, अब बाय तो नहीं पहनते पर ये पहन के जाते हैं समटाइम्स, तो उससे लुक अच्छा आता है। दूसरा ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब ब्राइड्स को गिफ्ट करते हैं, जब नमाज के लिए या घर में बेटियों के लिए भी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत यूनिक लगती हैं गोल्ड एंड वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ। सो इसका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये शायद हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, बाकी वो खादी की है ब्लॉक प्रिंट वाली, गोल्ड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और इसको भी आप एज अ चादर कैरी कर सकते हैं, जैसे आप शोल्डर से इसको रैप कर लें तो बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो ये 2 चादरें थी, मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी 3rd चादर की तरफ, वो है सफ़ायर की। ये सफ़ायर की बहुत ही बड़ी सी चादर है फॉर नमाज, उन्होंने नमाज के लिए इंट्रोड्यूस की हुई है, पर मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बाहर पहनते हुए भी देखा है। तो इसका स्टफ बहुत अच्छा था और रीज़नेबल थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये भी आप लोग कैरी कर सकते हैं अपने लिए, स्टफ़ अच्छा हो, रीज़नेबल हो, चीज़ होनी चाहिए। तो ये सफ़ायर की बहुत ही प्यारी सी चादर है, फुल चादर है, इवन आप अबाय के ऊपर भी इसको कैरी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करनी है, भूलना नहीं है लाइक करना, लाइक बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी। वीडियो की पूरी रेटिंग जो है ना पूरी गिर जाती है, ठीक है। सो ये 3 चादरें थी जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज़ लोगों को आइडिया हो जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक। ये देखिए, और इस पर ना पसीना वगैरह भी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, मीन्स मेन चीज़ है कि इसमें आपको गर्मी नहीं होगी सफ़ायर वाले में। और खादी वाले तो वैसे ही वेडिंग्स के लिए बहुत एकदम परफेक्ट है, मीन्स कभी मुझे, मैं गई तो मैं पहन के जाऊँगी, ठीक है, बिकॉज़ ये मेरी अम्मी की है, मेरी नहीं, मेरी अम्मी की है, तो वो बड़े शौक़ से ये चीज़ें रखती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भूलना नहीं है सब्सक्राइब एंड लाइक करना। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।